माननीय मंत्री जी श्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे बीच पधार चुके हैं और शीघ्र ही आज का यह कार्यक्रम आपके बीच संपन्न होने वाला है। ये क्या कर रहे हैं आप? आप बीच में आ रहे हैं, अभी मुझसे मना कर रहे थे। मैं आपके बीच में खुद ही नहीं आ रहा हूँ कि आगे चलो वीडियो बना रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम यह कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संपन्न होने वाला है। हमारे बीच मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का बुके देकर एवं कैप देकर उनका आज के इस कार्यक्रम में सम्मान करने की कृपा करें। मैं श्री जिलाधिकारी महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि वो अभिषेक प्रकाश आयो दिन मैं प्रभागीय वन अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती सरिता भदौरिया जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने की कोशिश करें। सर सर मैं एसडीओ साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो जिलाध्यक्ष श्री हरसंजीव राजपूत जी का स्वागत करने की शपथ लें। मैं रघुराज साकी जी का पूर्व विधायक पूर्व सांसद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं प्रभागीय निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो उनका बुके देके सम्मान करने की कृपा करें। थोड़ा सा पीछे हो जाएगी भैया। अब सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वो आज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ कर हरिशंकरी माननीय मंत्री जी जो कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं ये हरिशंकरी पौधरोपित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी यार
निकल जाइए सर, निकल जाइए उस साइड से हो जाइए। आराम से लो, ये ढक्कन दो। सभी बच्चे अपना अपना पौधा अच्छी तरह से जैसे आपको बताया गया है उसी प्रकार से अपना अपना पौधा लगाकर मिट्टी डाल दें और बंद कर दो। विभागीय कर्मचारी जिनको वहाँ लगाया गया है, आप जो है बच्चों के साथ सहयोग करके अच्छी तरह से पौधा रोपित करना है। रूपम दे जयम दे यो देहे दुखो जय नृप्या चंडा चंडके दुर्टा भय रूपम दे जयम दे यो देहे दुखो जय ओम सर्वा ओम सर्वे सर्वेरामय सर्वे भद्रा पश्यंतु कचेत कुमार ओम चटिनाइंद्रो बढ़िया काम बढ़ते नहीं है ओम गंगा चंद सरस्वती जय नम गोदावरी नर्मदावरी जय महेंद्र कन्या चलमणि वीरकाय विप्रावीरपति महासन्नदे ज्ञाता गया गणपति आप डालो आगे रहना सर के एक मिनट हाँ हाँ आप लो शर्मा जी अच्छा बात लो चलिए जल्दी हाँ हाँ इधर आओ हो गया थैंक यू यहाँ सारे अधिकारी हैं आप मुझे छोड़ के पा गए कोई बात नहीं चाहिए।
थोड़ा आगे क्या हुआ बेकार भैया ना मीटिंग से बाइट कर लीजिए सब लोग बाइट कर लो गर्मी है करिए सर जी उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम एक संदेश थोड़ी नीचे करो बिल्कुल मामूल भारतवासी को और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ये एक अभियान रखा है जिसमें लगभग 36.5 करोड़ पेड़ इस बार वृक्षारोपण किया जा रहा है फूल का और इससे न सिर्फ हरियाली होगी प्रदूषण रुकेगा बल्कि जल का स्तर भी ऊपर उठेगा क्योंकि पेड़ और प्रकृति ये माँ के समान है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश देना चाहा है ये एक पेड़ माँ के नाम में उसका माँ को हम प्यार करते हैं उसका रक्षा करें ये अभिनंदनीय है और वंदनीय है जिस तरह से उपचुनाव होना है 10 सीटों को उत्तर प्रदेश में तो आप किस तरह देख रहे कितनी सीट पर जीत दावा करें देखिए भारतीय जनता पार्टी की 10 में से 5 सीटें थी ये 5 तो पुनः प्राप्त कर ही लेंगे और उन 5 में से 5 सीट जीतने का प्रयास कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को कहाँ देखते हैं हिंदी का गठबंधन की पोल खुल चुकी है जैसे वो टकाटक पैसे देने के लिए बेवकूफ़ बनाया था हमने जनता को और आज जनता को समझ में आ गया कर्नाटक इस बात का उदाहरण है कि चुनाव खत्म होते ही उन्होंने पेट्रोल डीजल और गैस के दाम ऐसे बढ़ाए कि जनता से टकाटक पैसे वो लेने लगे और जो उन्होंने आरक्षण और संविधान का भ्रम फैलाया था आज वो भ्रम दूर हो गया है जनता का इसलिए अब उनकी काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ेगी उन्होंने ये कहा हम असहज महसूस कर रहे थे पार्टी में के नेताओं और जनता की आपके अधिकारी कोई नहीं सुन रहे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्या कहेंगे ये उनकी व्यक्तिगत कोई समस्या हुई वरना ऐसा बात नहीं है सरकार बिल्कुल कायदे से चल रही है जैसे सरकार को चलना चाहिए सरकार को जैसे चलाना चाहिए हमारा नेतृत्व चला भी रहा है अखिलेश यादव मानसून ऊपर चला रहे हैं 16 सरकार बनाओ ये उनकी खाम ख्याली है मुंगेरी लाल के सपने वो अच्छे देखते हैं वो देखते रहे ठीक है बंद कर दूंगा।